नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज में, जो एमपीपीएससी और एमपी से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने वाला एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म पर एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम काम कर रही है आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए। और दोस्तों, थोड़ी सी मदद इसमें मैं भी आपकी कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 10:30 बजे हम कंप्लीट एक्ट पढ़ रहे हैं, 11:45 पर हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और 1 बजे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और मैं आपके लिए संडे में एक स्पेशल सेगमेंट लेकर के आया हूँ। और अब से हम हर संडे कुछ स्पेशल टॉपिक्स की बात किया करेंगे, कुछ स्पेशल वीडियोस की बात किया करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक प्रीलिम्स पर फोकस है, जो आने वाला एमपीपीएससी का प्रीलिम्स है। और आप सभी जानते हैं कि रिपोर्ट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और आज की क्लास में हमें यही चर्चा करनी है कि कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स और सूचकांक हैं जो वर्ष भर चर्चा में बने रहे या फिर बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि रिपोर्ट्स से या सूचकांक से प्रश्न दो तरह से आते हैं। पहला प्रश्न तो ये आता है कि अगर कोई रिपोर्ट आई है तो उसे जारी करने वाला संस्थान कौन है, किसने उसे जारी किया है। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि इसमें भारत की रैंक क्या है। और अगर रिपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो प्रश्न आता है कि प्रथम स्थान किसका है। तो ये सारी बातें, इन सारे क्वेश्चंस को, लगभग 50 रिपोर्टें हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो आज के इस टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है। उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप दोस्त एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर चीज़ की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। और सिर्फ एमपीपीएससी नहीं, एमपी से जुड़े हुए जो दूसरे एग्ज़ाम हैं उन सब की तैयारी आप उस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपये का है। पर यहाँ पर अगर आप मेरा कोड SGLIVE, शुभम गुप्ता लाइव यूज़ करते हैं, SGLIVE यूज़ करते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और यही कोर्स आपको 6,300 में मिलेगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको 11,200 में मिलेगा। पर यहाँ अगर आप मेरा रेफरल कोड SGLIVE यूज़ करते हैं तो यही कोर्स आपको 10,080 रुपीज़ का मिलेगा। मैं सिर्फ अभी आपसे एक बात कहना चाहूँगा जो मैं लगातार पिछले दिनों से कह रहा हूँ कि इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि अनअकैडमी लर्निंग ऐप में एक फ़ीचर होता है स्पेशल क्लास का एक फ़ीचर होता है। और स्पेशल क्लास फ्री होती है दोस्त, ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और यहाँ पर मैं एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। स्पेशल क्लास में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड करके, शुभम गुप्ता करके मुझे फॉलो कर लीजिए और फिर आप ये टेस्ट सीरीज़ को वेल कर पाएंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो SGLIVE को अप्लाई करके आप कोर्स ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स की, बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की। और ये हमारी संडे स्पेशल की क्लास है। तो इसमें हमें बहुत अलग अलग संस्थानों द्वारा जो रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, इसमें हम दोनों रिपोर्ट लेंगे। राष्ट्रीय रिपोर्ट्स की भी चर्चा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स की भी चर्चा करेंगे। और जो रिपोर्ट, एक दो रिपोर्ट ऐसी होती हैं जो थोड़ा डीप में आपको पढ़ना पड़ता है, तो उनको भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो दोस्त, सबसे पहले हमें देखना है कि वो कौन कौन सी रिपोर्टें हैं जो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं। आप देखिए, यहाँ पर रिपोर्ट का नाम रहेगा, यहाँ पर जारी करने वाले संस्थान का नाम रहेगा, यहाँ पर भारत की रैंक रहेगी, यहाँ पर प्रथम रैंक रहेगा और यहाँ पर रहेगी अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई अन्य जानकारी उस रिपोर्ट के बारे में है। और हमें इंडिया की रैंक उन रिपोर्ट्स में देखना है जो रिपोर्ट्स ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर सब रिपोर्ट में हम देखेंगे तो याद कर पाना दोस्त मुश्किल हो जाएगा और चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। इसीलिए अब ये जो पहली स्लाइड है और यहाँ पर आपको दोस्त 6 रिपोर्ट्स दिख रही हैं,
यहाँ पर कितनी रिपोर्ट दिख रही है, 6। और ये 6 की 6 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो एक तो हमने यहाँ पर आपका काम इजी कर दिया कि एक ही स्लाइड में आपको सारी वो रिपोर्टें मिल गई जो कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो अब रिपोर्ट्स के नाम पढ़ लो, जारी करने वाला संस्थान का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, व्यापार करने में आसानी वाली रिपोर्ट, रिमिटेंस रिपोर्ट जिसे आप प्रेषण रिपोर्ट भी कहते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट। अगली है रेगुलेटरी इंडस्ट्री फॉर सस्टेनेबल एनर्जी राइज, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक, और छठवीं रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव GEP, वैश्विक आर्थिक संभावना। इसमें से भी दोस्त जो आपको याद करनी ही है, सबसे इंपॉर्टेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसके बाद रिमिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइज रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये जो 4 रिपोर्टें हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं और समझते हैं क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की, व्यापार करने में सुगमता की रिपोर्ट की। सबसे ज़्यादा चर्चित अगर कोई रिपोर्ट भारत में रही है इस वर्ष तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रही है। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी बहुत चर्चा में रहा है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा चर्चित रिपोर्ट है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। पहली बात, कौन इसे लागू करता है, जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। ये जितनी भी रिपोर्ट्स दोस्त आप देख रहे हो ये सारी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। भारत का इस साल का 2019 का रैंक कितना है, 63। रैंक कितना है भारत का, 63। टोटल कितने देश थे, 190। टोटल कंट्री कितनी थी, 190। इंडिया का रैंक क्या है, 63। और फर्स्ट रैंक किसका आया है, न्यूजीलैंड का आया है। फर्स्ट रैंक किसका आया है, न्यूजीलैंड का आया है। पहली बार ये रिपोर्ट 2004 में जारी की गई, हर साल जारी की जाती है। और 2018 में भारत का रैंक कितना था, 77। 2018 में दोस्त भारत का रैंक कितना था, 77। उसके अलावा एक और बात याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है, जब भी कोई रिपोर्ट बनती है ना दोस्त, कोई भी इंडेक्स तैयार होता है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके कुछ पैमाने होते हैं। तो इस रिपोर्ट के भी कुछ पैरामीटर्स हैं, देखें यहां पर 10 पैरामीटर। ये जो ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, इसके 10 पैरामीटर होते हैं, इसके 10 मापदंड हैं। और आप देखिए 10ों के 10 मापदंड यहां पर लिखे हुए हैं। पहला है स्टार्टिंग बिजनेस, बिजनेस को शुरू करना। तो आप देखें 2018 में भारत 156 पे था, 2019 में 137 स्थान पर है। फिर है कंस्ट्रक्शन परमिट, मतलब निर्माण के लिए जो आपको परमिट लेना पड़ता है वो, तो इसमें शानदार इंप्रूवमेंट हुआ है। 2018 में हम 181 नंबर पर थे और इसमें किस पे आ गए हैं, 52। ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि भारत का विकास किस में हुआ है, एक तो ट्रेड में, व्यापार में, और दूसरा कंस्ट्रक्शन परमिट में। आप देखिए कंस्ट्रक्शन परमिट में 2018 में हम 181वें स्थान पर थे और 2019 में हम 52 स्थान पर आ गए। वहीं आप देखें ट्रेड के मामले में 2018 में हम 146वें स्थान पर थे और 2019 में हम 80वें स्थान पर आ गए। तो अब दोस्त यहाँ पर ध्यान से सुने कि कौन कौन से सवाल आ सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स से पहला सवाल आएगा, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, आंसर करेंगे वर्ल्ड बैंक। दूसरा सवाल आएगा भारत की रैंक टोटल कितने देशों के लिए जारी की जाती है, 190। तीसरा सवाल भारत की रैंक क्या रही, तो उत्तर दे देंगे आप कि सर भारत की रैंक 63 रही, 63 रही। चौथा सवाल 2018 में रैंक क्या थी, 77। पांचवा सवाल इसमें कितने मापदंड होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, तो आंसर देंगे 10 पैरामीटर होते हैं, 10 इंडिकेटर होते हैं। और भारत ने किस चीज़ में इम्प्रूव किया है, तो आंसर कर देंगे कि भारत ने कंस्ट्रक्शन परमिट में इम्प्रूव किया है और भारत ने ट्रेड में इम्प्रूव किया है। तो ये 10 पैरामीटर्स आपके हो जाएंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के। और पहला स्थान किसका रहा है दोस्त, न्यूजीलैंड का रहा है। तो ये हमारी पहली रिपोर्ट हो गई। हर रिपोर्ट हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़नी है, 2 या 3 रिपोर्टें ऐसी हैं जो हमें इतने डिटेल में पढ़नी होती हैं, अदरवाइज बाकी सारी रिपोर्टें हमें नहीं उतना डिटेल में पढ़ना है। ध्यान दें यहाँ पर।
अगली रिपोर्ट है रिमिटेंस रिपोर्ट, प्रेषण रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है दोस्त? रिमिटेंस रिपोर्ट है, प्रेषण रिपोर्ट है। ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है, भारत का इसमें पहला स्थान है। और भारत से, भारत में हर साल लोग लगभग 79 यूएस डॉलर भारत भेजते हैं। मतलब रिमिटेंस का मतलब ये हुआ कि भारत के बाहर, मतलब भारत में, जैसे भारत के कुछ लोग हैं तो वो विदेशों में काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, तो विदेशों से भारत में कितना धन वो भेजते हैं, कितना रिमिटेंस वो भेजते हैं, यह बताती है वर्ल्ड बैंक की रिमिटेंस रिपोर्ट, प्रेषण रिपोर्ट। इसमें भारत का पहला स्थान है। लगभग 79 बिलियन डॉलर भारत के बाहर रहने वाले लोग जो भारतीय ही हैं वो भारत भेजते हैं हर साल। तो बस इतना याद रखना कि रिमिटेंस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट है। यहाँ पर बस याद रखना कि ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें रैंक वगैरह का इंपॉर्टेंस नहीं है। अगला है राइस। तो बस इसके बारे में सिर्फ यही पूछेगा कि राइस नाम की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, उसका कारण समझो दोस्त। देखो यहां पर है इंडिकेटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। क्या वर्ड है यहां पर? सस्टेनेबल एनर्जी। तो यहां पर ये जो सस्टेनेबल एनर्जी, धारणीय ऊर्जा की बात की गई है, तो हमें लगता है कि यार ये राइज नाम की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक क्यों जारी करेगा, ये तो किसी पर्यावरणीय संस्थान को जारी करनी चाहिए। लेकिन यहीं पर हम ट्रिक होते हैं। तो राइज की रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है राइज नामक रिपोर्ट। ये खास तौर पर याद रखेंगे आप। उसके बाद मानव पूंजी सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। कौन सा है? ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ पे कंफ्यूज कैसे हो गए ये भी सुनो। एक रिपोर्ट इसी से मिलता जुलता हुआ होता है दोस्त, और उसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसे हम? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसे हम कहते हैं HDI। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसे तो UNDP जारी करता है। कौन जारी करता है? UNDP। तो यहाँ पे कई बार ना हम भावनाओं में बह जाते हैं एग्जाम में, और अभी से मेरी एक सलाह है, जब भी पेपर करो एटलीस्ट रीड ट्वाइस द क्वेश्चन। आपको लगता है ये सामान्य सी बात है, लेकिन वो एग्जाम के बाद पता पड़ता है। तो प्लीज़ सवाल को दो बार पढ़ें, समझें और फिर गोला लगाएं, क्योंकि OMR वाला क्वेश्चन है तो वापस गलत ठीक नहीं कर पाओगे ना उसे आप। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक, और ये कौन जारी करता है? ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये कौन जारी करता है? ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें टोटल कितने देश हैं? 157, और भारत की रैंक क्या है दोस्त? 115। और पहले स्थान पर कौन आया है? सिंगापुर आया है। पहले स्थान पर कौन आया है? सिंगापुर आया है। और आखिरी रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना, GEP। ये भी कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो ये जो 6 रिपोर्टें हैं, ये 6 की 6 रिपोर्टें हमें याद होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में जो बातें हमने डिस्कस की, वो ख़ास तौर पर आपको याद होनी चाहिए। तो ये हमारी 6 रिपोर्टें कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। बीच में एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। अभी मेरे साथ एक बार क्विक रिवाइज करो। वर्ल्ड बैंक की प्रमुख रिपोर्टें, नंबर 1 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नंबर 2 राइज RISE राइज, नंबर 3 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। कौन सा भैया? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक। नंबर 4 सर ग्लोबल इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। और नंबर 5 रेमिटेंस रिपोर्ट, प्रेषण रिपोर्ट। ये 5 मत भूलना। ये 5ों की 5 कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक 63, टोटल देश 190, हर साल जारी होती है। नंबर 1 न्यूजीलैंड, 10 पैरामीटर होते हैं, और 10 में से 2 में कंस्ट्रक्शन परमिट और ट्रेड में भारत ने सबसे अच्छा काम किया है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की, और यहाँ पर इस स्लाइड में जितनी भी रिपोर्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी की सारी रिपोर्ट कौन जारी करेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करेगा दोस्त। कौन जारी करेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करेगा, WEF जारी करेगा इन सारी रिपोर्ट्स को। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं अपन। पहली रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट।
पहली रिपोर्ट कौन सी है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। आ चुका है प्रश्न इसके बारे में ऑलरेडी, ये आपको याद रखना है। इसमें ये बताया गया है कि किस देश में प्रतिस्पर्धा का क्या स्तर है, कॉम्पिटिटिवनेस का क्या स्तर है, और ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसे जारी करता है विश्व आर्थिक फोरम। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। भारत की रैंक इसमें 68 है, टोटल देश 141 है, और पहला स्थान किसे मिला है दोस्त? सिंगापुर को मिला है। किसे मिला है? सिंगापुर को मिला है। इसके बाद अगली जो रिपोर्ट है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, यात्रा और ये पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट है, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट है। उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद रखिएगा WEF जारी करेगा। भारत का रैंक 34 है और नंबर 1 पर कौन है? स्पेन। इसमें पर्यटन वगैरह के बारे में बताया जाता है कि कौन से देश में पर्यटन की ज़्यादा संभावना है, कहाँ पर पर्यटन के लिए अच्छी सुविधाएँ हैं, इन सब बातों की चर्चा इस रिपोर्ट में की जाती है। अगला, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। जस्ट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसको जो करना है निगल जाओ, पी लो, खा लो, बस याद रखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कौन जारी करेगा? तो ये सारी रिपोर्ट ही कौन जारी कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी कर रहा है। भैया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि जो महिला और पुरुष हैं उनके बीच कितना अंतर है, कितना श्रम में भागीदारी में अंतर है, ये सारी बातें कौन करती है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना, एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गई और एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गई। ये दो रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक प्लीज़ याद रखना 108, टोटल देश कितने हैं? 149, और पहला स्थान किसका है? आइसलैंड का। पहला स्थान किसका है दोस्त? आइसलैंड का है, ये प्लीज़ आपको याद रखना है। अगला, ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, क्लियर। ये कौन जारी करता है? तो ये भी WEF ही जारी करता है। 177वां रैंक है भारत का, टोटल 180 देशों, नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी याद रखना। ओके, एक और आया ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ये भी कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक और इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, और इसे भी WEF जारी करता है। यही पूछ सकते हैं कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो WEF जारी करता है, जिसमें वहाँ पर प्रशासन वगैरह की बात की जाती है, किस प्रकार की सुविधाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, लॉ ऑर्डर वगैरह की बात की जाती है। अब दोस्त यहां से हमें क्या निकल या बात याद रखनी? देखो, पुरानी रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। फिलहाल आप इसमें से एक तो ये याद रखेंगे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट याद रखना, और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आप याद रखना, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के बारे में याद रखना। ये तीनों ही रिपोर्टें कौन जारी करता है? तो ये तीनों ही रिपोर्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, WEF इनको निकालता है। तो इन तीनों रिपोर्ट्स के बारे में आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जेंडर गैप इंडेक्स और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाएंगी। और इसमें से भी आपको इंडिया की रैंक जेंडर गैप में खास तौर पे याद रखना है कितनी है, 108 है, और टोटल कितनी कंट्री है? 149, और नंबर 1 रैंक किसका है? तो नंबर 1 रैंक है आइसलैंड का, नंबर 1 रैंक किसका है? आइसलैंड का है। और कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है? 68 है, क्लियर। सिंगापुर नंबर 1 पे है। एक बार रिवाइज करते हैं, तो अभी पहले हमने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स देखी थी, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिमिटेंस रिपोर्ट, राइज रिपोर्ट,
ठीक है, GEF मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक परस्पेक्टिव रिपोर्ट, GEP, ये सारी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। अब हमने बात की दोस्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। भारत का रैंक 108, भारत का रैंक कितना, 108। नंबर वन पे कौन है, आइसलैंड। दूसरा जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। भारत का रैंक उसमें 68 है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ओके, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। उसके अलावा टूरिज्म वाला एक रिपोर्ट है, तो टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस वाला भी याद आपको रह जाएगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिपोर्ट्स की चर्चा करते हैं। अगला है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अगली कौन सी रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। बस इतना याद रखना। एक और IMF की रिपोर्ट है जो इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, और ये पूछा भी जा चुका है और बड़ा कंफ्यूजिंग होता है रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। क्या नाम याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और ये कौन जारी करता है, तो ये भी सर IMF जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। आप जानते हैं कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड को या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या कहा जाता है, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण किससे हुआ था, ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद इनका निर्माण हुआ था। दोस्त फिलहाल आपको यही याद रखना है कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है, इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है, इसे IMF के द्वारा जारी किया जाता है। अगली बात, ये बाइनियल रिपोर्ट है, मतलब एक वर्ष में ये दो बार आती है। एक वर्ष में कितनी बार आती है, दो बार ये रिपोर्ट आती है। और इस रिपोर्ट में GDP वगैरह की बातें की जाती हैं कि GDP कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, ये सारी बातें इसमें की जाती हैं। जहाँ पर रैंक वगैरह नहीं है वहाँ पर आप ये मान के चलें कि महत्वपूर्ण नहीं है रैंक वगैरह, अदरवाइज उतना डेटा आप याद भी नहीं रख पाएंगे। क्लियर दोस्त, तो ये बात भी हमने यहाँ पर कर ली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये जारी की जाती है। फिर 16वीं रिपोर्ट पर हम आते हैं, इसमें है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संस्थान, वैश्विक बौद्धिक संपदा संस्थान, विपो। अब एक बार तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो क्या होता है, अच्छा एक बात जरा मैं कर दूं, तुम्हें ध्यान सुने आप लोग, यार ये जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, संस्थान होते हैं, इनको ना हमेशा थोड़ा इंग्लिश में जरूर पढ़ा करो, क्योंकि कई बार आप एग्ज़ाम उठा के देखना हिंदी नाम आता नहीं है रिपोर्ट्स का। अब अभी तक मैंने जितने बार भी क्वेश्चन देखा, दो क्वेश्चन देखे मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के, एक भी बार उन्होंने हिंदी नाम नहीं दिया, बस हिंदी में लिख देते हैं इसको देवनागरी लिपि में, वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडेक्स आउटलुक करके। तो बस इतना याद रखें आप कि चाहे आप किसी भी माध्यम से हो, प्लीज़ आपको इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना है। और एक और बात, बहुत सारे प्रश्न जैसे आपसे नहीं बनते हैं हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम वालों से नहीं बनते हैं, तो दोनों लैंग्वेज में एक बार पढ़ के देख लिया करो। अगर हिंदी वाले हैं तो एक बार ज़रूर इंग्लिश में देख लें, इंग्लिश वाले हैं तो ज़रूर एक बार हिंदी में देख लें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि GS के लिए बहुत समय मिलता है आपको, 2 घंटे का समय मिलता है, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि बहुत होगा MPPSC में, ओके, उसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। तो अगर आपसे कोई सवाल नहीं बन रहा है, प्लीज़ एक बार उसका इंग्लिश में ज़रूर देखें, अगर इंग्लिश वाले हैं तो हिंदी में ज़रूर देखें। और रिपोर्ट्स के नाम खास तौर पे इंग्लिश में ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि कई बार हिंदी नाम नहीं आता है। और यहाँ से ना फुल फॉर्म आ जाते हैं, जैसे ये आ चुका है WIPO का फुल फॉर्म आ चुका है, तो याद रखेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक बौद्धिक संपत्ति संस्थान। बौद्धिक संपत्ति में बेसिकली आप पेटेंट वगैरह की बातें करते हैं, पेटेंट हो गया, राइट्स हो गए, कॉपीराइट हो गए, ये सारी बातें बौद्धिक संपदा में की जाती हैं, ये सारी बातें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में की जाती हैं। ट्रिप्स वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, WTO का समझौता जो है। अगला,
17वीं रिपोर्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII। कौन सी रिपोर्ट है दोस्त? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ये भी आपको याद करना है। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो तीन संस्थान मिलकर के GII को जारी करते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी करते हैं। कौन कौन से? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कितना रैंक रहा है? तो याद रखें भारत का रैंक 52 रहा है, टोटल देश कितने थे? 129। और नंबर वन पर कौन आया है दोस्त? स्विट्जरलैंड आया है। नंबर वन पर कौन आया है? स्विट्जरलैंड आया है। तो यहाँ पर हमने WIPO से संबंधित दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखी। एक रिपोर्ट तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट है। अब देखो भैया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो WIP तो यही हो गया, तो ये रिपोर्ट जारी भी कौन करेगा? WIP, आखिरी में ओ और याद रख लो बस। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा क्या हो गया? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII। तो इसमें भी इनोवेशन की बात है, और अगर इनोवेशन है तो ये आपका इंटेलेक्चुअलिटी है, बौद्धिक संपदा है। तो इनोवेशन से फिर आप यहीं पर WIPO प्लस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और प्लस इनसीड, ये बातें याद रखना। तो यहाँ तक हमारी 17 तक ये कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टें हो गई। एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं ताकि चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं। वर्ल्ड बैंक की हमने कुछ रिपोर्टें देखी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हमने बात की, भारत की रैंक उसमें 63 थी, नंबर वन न्यूजीलैंड था। उसके बाद हमने रिमिटेंस रिपोर्ट की बात की, उसमें भारत नंबर वन पर था। उसके बाद हमने वर्ल्ड बैंक की राइज रिपोर्ट देखी, RISE। उसके बाद हमने विश्व बैंक की ही एक और रिपोर्ट की बात की, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक। और उसके बाद हमने एक और रिपोर्ट देखी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। फिर हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कुछ रिपोर्ट्स देखी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ही उसका नाम है। और भारत की उसमें रैंक 108 थी, और टोटल देश उसमें 149 थे, और साथ में आइसलैंड था। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट थी वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक था, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव था। उसमें इंडिया का रैंक 68 है, टोटल 141, और नंबर वन कौन है? सिंगापुर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टें थी, वैश्विक जोखिम संस्थान हो गया, फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, इंडिया का रिपोर्ट उसमें 34 है, और स्पेन। तो अब तक ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हम देख चुके हैं। साथ ही साथ हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात की, जो IMF के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये दोनों WIPO के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 52, और टोटल देश कितने हैं? 129, जबकि फर्स्ट रैंक किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को मिला है। चलो दोस्त भैया, अब आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। कुछ और रिपोर्टें यहाँ पर हैं। अगली है वैश्विक भूख सूचकांक। अगली रिपोर्ट कौन सी है? वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में है। वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? 2019 का है, कंसर्न वाइल्ड वाइड जो कि एक आयरिश ऑर्गेनाइजेशन है, और वेल्ट हंगर हेल्प जो कि जर्मनी की एक संस्था है। तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में इसकी बहुत चर्चा हुई है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, ये दो संस्थान मिलकर के जारी करते हैं, एक संस्थान आयरलैंड का है और एक संस्थान जर्मनी का है। आयरलैंड का है वर्ल्ड वाइड कंसर्न WWC, वर्ल्ड वाइड कंसर्न, और जर्मनी का संस्थान है वेल्ट हंगर हेल्प। ये दोनों संस्थान मिलकर के जारी करते हैं वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। तो भारत की रैंक दोस्त इसमें क्या रही है? तो भारत की रैंक इसमें 102 रही है, 102। और
कितने देशों में से 117 देशों में से भारत की रैंक इसमें 102 रही है, नंबर वन इसमें बेलारूस रहा है। अब क्या है कि दोस्त ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रही, तो हो सकता है आपसे यहाँ पे कुछ टर्म पूछ ले कि आखिर इस रिपोर्ट के पैरामीटर क्या थे। जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर्स देखे थे 10, उसी तरह से जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसके भी 4 पैरामीटर होते हैं, इसके 4 मापदंड होते हैं। पहला मापदंड है अंडर नरिशमेंट। पहला मापदंड क्या है? अंडर नरिशमेंट, अल्प पोषण। याद रखिएगा, बहुत ध्यान से यहाँ से सवाल आ सकता है, अल्प पोषण। दूसरा मापदंड क्या है? चाइल्ड स्टंटिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वर्ड आया है ना स्टंटिंग, ये सारे वर्ड आने लगे हैं आजकल एग्जाम में कि स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो ये सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं, ये जनरली भी क्वेश्चन आ सकता है जीएस में कि स्टंटिंग और वेस्टिंग का संबंध किस चीज से है। हिंदी अंग्रेजी में ऑलमोस्ट यही वर्ड चल रहे हैं आज के लिए, हिंदी के पेपर में भी आपको स्टंटिंग लिखा मिल जाएगा, वेस्टिंग लिखा मिल जाएगा। तो स्टंटिंग का मतलब खासतौर पे यहां पर याद रखना, पहली बात तो याद रखो कि जो स्टंटिंग और वेस्टिंग है इनका संबंध कुपोषण से है। किससे है दोस्त? कुपोषण से है, मेल न्यूट्रिशन से है। स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज, मतलब उम्र बढ़ गई है, उम्र ज्यादा और ऊंचाई कम, तो ये क्या हो जाता है, ये स्टंटिंग हो जाती है, स्टंटिंग हो जाती है। और अगला है वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट। इस वेस्टिंग में क्या होता है, वेस्टिंग में क्या होता है कि ऊंचाई तो ज्यादा है, ऊंचाई कैसी है, ज्यादा है, परंतु वजन क्या है, वजन उसमें कम है। तो यहां पर देखो याद रखने का तरीका क्या है, एक वर्ड दोस्त यहां पर है याद, मैं जैसे रखता हूं आपको तरीका बता रहा हूं, वेस्टिंग, डब्लू, डब्लू से ही क्या आता है, वेट। वेस्टिंग डब्लू, और डब्लू से ही क्या आता है, वेट आता है। तो वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब हो जाएगा वजन का, वजन का क्या होना, कम होना। तो वेस्टिंग में क्या होता है, जो वजन होता है वो क्या होता है दोस्त, कम होता है, वजन क्या होता है, कम होता है। स्टंटिंग, एस स्टंट, तो स्टंट हाइट वाले लोग ही करते हैं, हाइट वाले लोग करते हैं, तो स्टंटिंग में क्या होता है, हाइट क्या होती है, कम होती है। स्टंटिंग में हाइट क्या होती है, कम होती है, लो हाइट होती है। मैं सिर्फ वेस्टिंग याद रखता हूं, अगला अपने आप याद रहता है। तो वेस्टिंग डब्ल्यू डब्ल्यू से याद रखना, स्टंटिंग मतलब लो हाइट, ये बस आपको पता होना चाहिए। और आखिरी में क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, आखिरी में है आपका शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर। तो एक हो गया अल्प पोषण, दूसरा हो गया चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा हो गया चाइल्ड वेस्टिंग, और चौथा हो गया शिशु मृत्यु दर। ये 4 प्रमुख पैरामीटर हैं किस चीज़ के, तो ये 4 प्रमुख पैरामीटर हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, वैश्विक भूख सूचकांक के, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, जिसे जारी करती है कंसर्न वाइल्ड वाइड आयरिस एजेंसी और वेल्ट हंगर हेल्थ जर्मन एजेंसी। भारत का रैंक 102 है और टोटल संस्थान कितने हैं दोस्त, 117 हैं, और नंबर वन पर कौन है, बेलारूस। अगली रिपोर्ट, वैश्विक डिजिटल प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, कौन जारी करता है, IMD जारी करता है। भारत की रैंक 44, अमेरिका नंबर वन, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे, ये थोड़ा सा याद रखना बस, मार्केट रिसर्च फर्म करके एक कंपनी से जारी करती है। वैश्विक शांति सूचकांक, इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है दोस्त, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। भारत की रैंक क्या है इसमें, 9, टोटल देश 28 थे, नंबर वन पर कौन है, आइसलैंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ये बस आप खासतौर पर याद रखना, मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल। इस पूरे इंडेक्स में अगर हम देखें तो इस पूरे के पूरे स्लाइड में 2 रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक वैश्विक भूख सूचकांक और एक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स।
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, बहुत ध्यान देना है यहाँ पर। इसे जारी कौन करता है, तो याद रखना जर्मन वॉच नाम का एक एनजीओ है, जर्मन वॉच नाम की एक संस्था है, वो इसे जारी करती है। ये पहली चीज आपको याद रखना है कि जर्मन वॉच नाम की एक संस्था है वो इस रिपोर्ट को जारी करती है। भारत का रैंक क्या रहा है, तो भारत का रैंक इसमें रहा है 14 और नंबर वन रैंक किसका रहा है, आइसलैंड का। नंबर वन रैंक किसका रहा है, आइसलैंड का। यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में बताया जाता है कि क्लाइमेट से आने वाले भविष्य में क्या क्या नुकसान हो सकता है, कौन सा देश क्लाइमेट के लिए क्या कर रहा है, कितना रिस्क किस देश पर है, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में करी जाती हैं। बहुत चर्चित रिपोर्ट है, बहुत डिस्कस होने वाली रिपोर्ट है, तो प्लीज़ इसको याद रखना, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट ये कौन जारी करता है, जर्मन वॉच जारी करता है। इसमें भारत का रैंक 14 है और देश कौन सा है नंबर वन पे, आइसलैंड है। तो यहाँ पर आप देखें, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक IMF ने जारी की थी, WIPR वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट WIPO ने जारी की थी, GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वाइल्ड वाइट और वेल्ट हंगर हेल्प आयरलैंड और जर्मनी की संस्था ने जारी किया। भारत का रैंक इसमें 102 है, नंबर वन बेलारूस है और 4 इसका अल्प पोषण, स्टंटिंग, वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब लो वेट, स्टंटिंग मतलब लो हाइट और चाइल्ड मोर्टलिटी है, शिशु मृत्यु दर है। और एक रिपोर्ट आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट है जो जारी किया गया, और किसने जारी किया, जर्मन वॉच ने जारी किया, और इसमें रैंक रहा भारत का 14वां, 14 आइसलैंड। दोस्तों इतनी रिपोर्ट हमने इस पहले वीडियो में पढ़ी, इसके बाद हम एक और वीडियो इसका बनाएंगे और जिसमें हम बाकी की बची हुई जो रिपोर्टें हैं, लगभग 20 रिपोर्ट्स और बची हुई हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स लेना है, यूज़ माई कोड SGLIVE। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जो रिपोर्ट्स बची हुई हैं उनकी बात करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।